गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दो दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं इंडिया। थर्सडे आफ्टरनून का फ्लाइट है हमारा, और पहले हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर, और बैंगलोर में हम लोग एक हफ्ता रुकेंगे क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ का घर उधर है और मेरी बेस्ट फ्रेंड की घर उधर है। हम लोग दोनों के घर में रुकेंगे, और उससे भी खुशी की बात है, मेरी ब्रदर इन लॉ के बेटे को हम लोग अभी तक नहीं देखा, मतलब फेस टाइम सब करते तब देखा, फोटो में देखा है, लेकिन पहली बार हम लोग उसको देखने के लिए, मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी उसका एक साल भी हुआ है। हम लोग हर साल इंडिया जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाया, इसलिए अभी उसको एक साल हो गया, उसका मुंडन भी हो गया, हम लोग उसको नहीं देख पाए। इतनी मतलब खुशी और चुंसी, इतना एक्साइटेड है, हम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि खुशी को ऐसा लगता है वो बड़ी बहन बन गई। अभी तक वो छोटी था तो वो बड़ी बहन बन गई, ऐसा बहुत एक्साइटेड है दोनों हम लोग। वही जल्दी उसको जाकर मिलो, वही है, अब बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत कैसे भी है जल्दी पहुंच जाओ वैसा है। और उसी के लिए मैं अभी पैकिंग मेरा हो गया, मैं संडे को ही सब पैकिंग किया, क्योंकि मैंने सोचा था इस मंडे से मैं कोई काम नहीं करूँगी, हेक्टिक कोई टेंशन वाली कोई पैकिंग वैकिंग में कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि रोम में पहले से आप लोग मुझे देख रहे हो तो मालूम है मेरा रोम ट्रिप में स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इसलिए मैं इस बार सोच रही हूँ मैं अभी दो दिन ही है मैं अच्छे से, मैं कल से मैं ऐसे एकदम रिलैक्स बैठ रही हूँ, मैं पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज सोचा है थोड़ी बहुत मैंने वाश करके कपड़ा डाला था वो सब थोड़ा रखूँगी, और फिर है अभी सबसे बड़ी टेंशन है मैं थोड़ी बहुत चीज़ खरीदा नहीं पहले से मेरे पास था, मैं इस घर में डेकोरेट करने के लिए लेकर रखा था, लेकिन अभी इस घर में जगह नहीं है, और जगह का भी नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है रेंट पे रह रहे इधर क्यों रख रहे, ऐसा एक फीलिंग है। अभी हम लोगों ने अभी चार साल पहले हम लोगों ने केरल में घर खरीदा था, लेकिन मैंने मुझे ऐसा खुशनसीब नहीं है, हाँ मैं उधर जाकर रहूँ वैसा, हाँ दो बार गई, पहले गृह प्रवेश के टाइम में गई, फिर एक बार गई, और गृह प्रवेश के टाइम में भी ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं रुक पाए थे, क्योंकि हम लोग जाने के बाद ही उसका सारा काम सब फिनिश हो गया था, एग्रीमेंट सब फिनिश हो गया, उसके बाद ही रहना पड़ा, और उस समय पूरा मैंने घर सेट भी नहीं किया था, इसलिए हर बार मैं जाती तो थोड़ी थोड़ी सेट करती हूँ, और ज़्यादा भी मैं डेकोरेट ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ उधर रहती है, और उनको भी थोड़ा मैं ज़्यादा चीज़ से उधर डेकोरेट किया तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उनका कम्फर्टेबल भी थोड़ा देखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे अच्छे से डेकोरेट करो, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ लेकर आती हूँ, अभी तक जो चीज़ गिफ्ट में मिला वही सब उधर रखा था अभी, लेकिन संतोष बोल रहे हैं ये सब लेके आया तो टूट जाता है, देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सब कुछ सूटकेस के अंदर अंदर एक चीज़ ऊपर है वो मैं दिखाऊंगी। ये अभी मुझे लगता है इंडिया में भी मिलता है ये, लेकिन मुझे ये इधर एक पाउंड में मिल गया, तो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था ये क्रिसमस के टाइम में, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, तो मैं पक्का लेके जाऊंगी, लेकिन इसके ये मैं दिखाती हूँ, लोग लास्ट ईयर वेनिस गया तो उधर से लेकर आया था, देखो ऐसा है मैं कैसे ऐसे ये वेनिस से लेकर आया था, इस जब हम लोग परमानेंटली जाते तब लेके जाओ अभी, लेकिन देखते हैं, और ये ऐसा वाला बहुत सारा है, लेकिन वो मैं सूटकेस के अंदर रखा है, अभी ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ये मैंने कपड़ा मेरा कपड़ा है, इसमें सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का कपड़ा है, मैंने सारा कपड़ा ऐसे फोल्ड कर रखा है, सब कुछ आयरन कर देखो, इसलिए बहुत सारा स्पेस ऐसे फोल्ड कर रखा है, और इसमें गिफ्ट देने के लिए और कुछ नहीं खरीदा, लेकिन वही है चॉकलेट्स वो सब खरीदा है,
चॉकलेट्स ही है। हाँ ये टाइगर बम है, ये तो तीन चार लेके आती है, एक मेरी मदर इन लॉ के लिए, एक मम्मी के लिए, एक दीदी के लिए, ऐसे लेके जाते हैं। वही है, फिर मैंने अमेज़न से अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो है ये तीन काजल लिया है, ये रिमेल लंदन का है, तीन लिया है, एक है नेवी ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर का। ये नेवी ब्लू कलर का ये मेरे पास दो है, ये मैंने दो हफ्ता पहले ख़रीदा था, लेकिन क्या हुआ है, खुशी ने देखो ये नया ही है, लेकिन क्या कि खुशी ने क्या किया, उसने मुझसे चुप कर मतलब अपनी उसने मुझसे बिना बोलकर उसने अपने ये लेके गया अपने डोल को सजाने के लिए। वो बहुत सारा मेरा ऐसा है, मेरा काजल से उसने काजल और लिपस्टिक उसने ऐसा कर दिया, बहुत सारा मुझे फेंकना पड़ा है। लिपस्टिक क्या करती है, वो डोल को लगा के पूरा ऐसा फैल जाता है वैसा, फिर यूज़ ही नहीं कर सकती है। मैं उसको बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरा सामान मत ले लो, फिर मैं उसके लिए अपने लिए अलग सा मैं ख़रीदती हूँ, देखो ये तुम डोल के लिए, लेकिन नहीं, उसको वो नहीं चाहिए। मेरा नेल पॉलिश मेरे पास, देखो आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में, क्योंकि मेरा सारा नेल पॉलिश वो ख़त्म करती है, वो अपने डोल को सब लगा कर कितना भी बोलो, फिर मैं भी सोचती इस एज में ही वो सब करती है, ठीक है छोड़ दो, अभी थोड़ी बड़ी होने के बाद खुद से लगाना शुरू करेगी, क्योंकि उसको यह सब सूट नहीं होते तो खुद से नहीं लगा पाती हूँ। फिर वही डोर से मैं सोचती, मैं भी वैसे ही करती थी, मेरी दीदी की बेटी की भी मुझे याद है, वो भी करती थी, वही इस एज में वो बच्चे लोग करें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकती, वो थोड़ी बड़ी होने के बाद वो ऐसा नहीं खेल सकती ना, फिर बड़े होकर मैं बोल भी सकती है, देखो तुमने मेरा कितने सारा मेकअप बर्बाद किया है, मैं बोल सकती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन काजल के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि काजल मुझे डेली चाहिए, मैं डेली यूज़ करती हूँ, मैं बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फाउंडेशन सब इतना मैं खरीद कर रखती हूँ, एक दो है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। वो भी खुशी अपने लिए कुछ कभी कभी वो अपने भाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन मैं यूज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं फाउंडेशन लगाती हूँ थोड़ा केकी लुक आते, इसलिए मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, सिर्फ प्रेस पाउडर यूज़ करती हूँ। इसलिए मैंने एक मैक्स फैक्टर का एक वो ये भी लिया है, देखो ये लिया है, ये थोड़ा फाउंडेशन भी है लेकिन नेचुरल लुक आता है, नेचुरली ये नेचुरल कलर ही है, ऐसा जस्ट नॉर्मल पाउडर जैसा ही दिखती है और कुछ नहीं है। और ठीक है, अभी मैं जाकर खाना बना दूंगी अभी। हाँ, फिर एक बात है, मेरा ये वीडियो शायद आप लोगों को लेट से ही मिलेगा, जब मैं इंडिया पहुंचने के बाद ही शायद ये अपलोड होगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी वर्क नहीं हो रहा है। अभी संतोष आज लेके गया वो ठीक करने, क्योंकि हमारा उधर का शॉप है उधर, वो आज बंद है और कल ही वो खुलेगा, और कल पता नहीं कल वो ठीक करेगा या नहीं, मालूम नहीं वो, इसलिए संतोष आज विंबलडन जा रहा है उधर, शाम को उधर से वो ठीक कर पता नहीं आज ठीक करेगा, ठीक नहीं किया तो फिर नया लेना पड़ेगा, और शायद इधर से नहीं फिर इंडिया से लेना पड़ेगा, देखते हैं अभी। इसलिए मैं शायद इंडिया पहुँचने के बाद ही ये शायद अपलोड कर पाएंगे, और वही ठीक है, अभी लंच बनाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लेट हो जाएगा। अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ, लंच के लिए मैंने सुबह ही देखो स्प्रिंग ऑनियन वॉश कर कट कर दिया था, देखो छोटा छोटा कट कर दिया था, और इधर मैंने देखो दो गार्लिक एक ग्रीन चिल्ली डाला, फिर अभी मैं अभी कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग ऑनियन के अंदर एक थोड़ा सा कोकोनट डालो, जितना स्प्रिंग ऑनियन है उतना उससे थोड़ा कम, अगर स्प्रिंग ऑनियन एक कप है तो हाफ कप कोकोनट डाल दो। अभी मेरा ये स्प्रिंग ऑनियन इधर हाफ कप ही है, इसलिए मैंने उससे थोड़ा कम कोकोनट डालूंगी, और उसमें फिर थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, फिर टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, फिर ये अभी मैं क्रश कर रही हूँ, ये गार्लिक और ग्रीन चिली क्रश कर रही हूँ, वो भी डालती हूँ, फिर क्या है, हाँ एक थोड़ा सा ओनियन भी, अगर हाँ छोटा छोटा करके ओनियन भी डालकर अच्छे से हाथ नमक भी डालकर अच्छे से मिक्स कर फिर तड़का दे दो, मस्टर्ड सीड्स है
मस्टर्ड सीड्स और ड्राई रेड चिल्ली पाउडर, अगर चाहिए तो उड़द दाल भी डाल सकते हैं, वो डालकर उसमें ये डाल दो, फिर ढक कर वो पकने दो। उसे ईसी है, जल्दी बन जाता है, 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, जल्दी बना देते हैं। आप लोग के पास करी लीव्स है तो वो भी डाल दे तो एक अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ऐड करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 19 जुलाई है, फाइनली वो डे आ गया, हम लोग आज इंडिया जा रहे हैं। सॉरी मैं कल 2 दिन से व्लॉग फिनिश नहीं कर पाई, इतनी बिजी हो गई। मैंने आप लोगों को बोला था ना, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, फिर संतोष वो ठीक करने के लिए गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, फिर कल फिर नया लैपटॉप लेना पड़ा और उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी हो गई थी। फिर खुशी का स्कूल में फंक्शन था, आज सुबह भी था उसका असेंबली था आज सुबह पेरेंट्स के लिए, और वो फिर अभी आई, जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हो गए। अभी हमारा गाड़ी भी बाहर आ गई है। ठीक है, बाद में मिलते हैं आप लोगों को। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना भूलना नहीं, कमेंट करना भूलना नहीं और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सब्सक्राइब कमेंट अच्छा है, आइकॉन लेता है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अच्छा है। ठीक है, अभी शायद मेरा ये शायद मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट से आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि पता नहीं इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन, बैंगलोर में शायद जल्दी जल्दी होगा, केरल जाकर पता नहीं। किसी का कमेंट का रिप्लाई भी मैं मैक्सिमम करने का कोशिश करूंगी, मुझे नहीं मालूम है अभी उधर जाकर इंटरनेट कनेक्शन सब लेना है। ठीक है, अभी चलते हैं, बाय बाय बाय। Walking
focus is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.